नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फरखाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फरखाबाद से आ रही है। कोरोना महामारी और बाढ़ ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। कोरोना महामारी की वजह से किसान की मक्के की फसल इस बार नहीं बिक सकी। वहीं बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें पानी में डूबने से बर्बाद हो गई। किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्तर पर कोई भी पहल नहीं की गई है, ना ही कोई इन किसानों की सुनने वाला है। फरखाबाद में गंगा में पिछले 5 दिनों से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे कटरी क्षेत्र में गांव पानी से घिर गए हैं। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हैं। पानी भरा होने से फसलें खराब होने लगी हैं। इससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। तहसील सदर के गांव पखियान की मड़ैया, तीसराम की मड़ैया, कटरी भीमपुर, कटरी धर्मपुर आदि कई गांवों तक पानी पहुंच गया है। खेतों में फसलें डूब गई। गाँव पखियान की मड़ैया जाने वाली सड़क पर पानी बह रहा है और भर भी गया है। इससे बाइक व अन्य वाहनों का आवागमन बंद है, मात्र ट्रैक्टर ही निकल पा रहे हैं। वहीं कायमगंज तहसील में गंगा का जल स्तर बढ़ने से तटवर्ती गांव के खेतों में पानी भरने से किसान मौजूदा फसलों का नुकसान तो झेल ही रहे हैं। गांव का पानी इस बार गांव गडुआ के बिल्कुल समीप आ गया है, जिसके चलते अनेक किसानों की फसलें डूब गईं। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। एकदम बाढ़ आई गई है, अचानक बाढ़ आई तो ये आप कौन सी फसल काट रहे हैं अभी? क्यों काट रहे हैं? कितना पानी बढ़ गया यहाँ पर बाढ़ का? चलो आगे भाई। ये कितने दिन में पानी आ गया यहाँ पर? चार दिन से बराबर पानी बढ़ रहा है। तो आपकी फसल तैयार हो गई? तैयार है ना ही फसल है, काम के ना तैयार हो पाई। तो कच्ची फसल काट रहे हैं? कच्चे बच्चे जब काट उठते हैं तो फिर काट कर। यहाँ पर करीब जो है कितनी जो है फसल जलमग्न हो गई होगी, कितना मतलब जो है नुकसान हुआ होगा उनका? नुकसान है, तो आप पूरी तरीके से नुकसान हो गया। करीब कितनी खेती जो है कि पानी में समा गई होगी? अब इतनी ना भैया ना, वैसे अंदाज से कितने बीघा करीब होगी? तो 2000 बीघा करीब पानी में समा गई है। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर जो आपके गांव ही पानी में घुस जाता होगा? फिर आप लोगों को क्या साधन है? साधन का आप जैसा जो